शरद फूलों का ये चांद है, गणने से ज्ञान मति मात है। इनकी पूजा करी, इनकी भक्ति करी, दिखती ब्राह्मी सी बात है। शरद फूलों का ये चांद है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी एक जाना पहचाना नाम हो गया है। इन्होंने सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन टिकैत नगर बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। माता मोहिनी और पिता छोटेलाल की प्रथम संतान के रूप में ये एक देवी के अवतार के रूप में मानी जाती रहीं। पुनः सन 1952 में इन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत रूप सप्तम प्रतिमा और घर का त्याग किया, अर्थात इन्होंने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारिणी हैं। सन 1953 में छुल्लिका दीक्षा लेकर और सन 1956 में इन्होंने प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज से हारिका दीक्षा धारण कर ज्ञानमती नाम को प्राप्त किया। अपने नाम को इन्होंने सार्थक किया। सैकड़ों ग्रंथ इन्होंने अपने ज्ञान की प्रतिभा से लिखे, अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। इसलिए आज वर्तमान में सर्वोच्च साध्वी के रूप में, सबसे प्राचीन दीक्षित साध्वी के रूप में ज्ञानमती माता जी का जाना माना नाम प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। ऐसे उन ज्ञानमती माता जी का हम सभी हीरक जयंती महोत्सव मना रहे हैं। हम सब मिल करके इस अवसर पर उनके चरणों में अपने विनयांजलि अर्पित करते हैं। उनके चरणों में वंदन अभिनंदन शत शत वंदन। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र भृते भर्त्रे नमः संसार भीम से। महानुभाव, महापुराण अंतर्गत आदि पुराण और भगवान ऋषभ देव का जीवन परिचय आप सुन रहे हैं। आठवें भव में राजा वज्रनाभि चक्रवर्ती और उन्होंने संपूर्ण वैभव को छोड़कर नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली। सचमुच में आचार्यों ने कहा है, निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारी। भूधरदास कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, जो निर्विकार बालक के समान निर्भय, बच्चे के समान निर्विकार पृथ्वी तल पर विचरण करते हैं, ऐसे महासाधुओं को हमारा पुनः पुनः खूब नमस्कार। भव्यात्माओं, वज्रनाभि चक्रवर्ती महामुनि बनकर अपने पिता तीर्थंकर वज्रसेन के समोसरण में, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए उनकी स्वयं भावना नहीं है कि मैं तीर्थंकर बनूं, ऐसी भावना करने वाला तीर्थंकर नहीं बनता है। तद्रूप परिणति 16 कारण भावनाओं को भा रहे हैं, 16 कारण रूप से अपनी परिणति बना रहे हैं। 8 भावनाओं को आपने सुना है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीर वृत्ति सोनतचार अभीष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग शक्ति तप साधु समाधि। 9वीं भावना है वैयावृत्ति, वैयावृत्त करण भावना। आचार्य ने कहा है, किसी वृत्ति पुरुष को साधु आदि को रोग आदि हो जाए, कोई व्याधि हो, तो उसे अपने से अभिन्न मानते हुए अपने शरीर में ही मानव व्याधि हुई है। कितनी सुंदर पंक्ति है आचार्य देव की, अनात्म अनात्म तर्को भूत्वा तपसो हृदय तत्। भव्यात्माओं, सवैया वृत्त माते ने वृतेशु आमयादिशु व्रतस्थेस्तु आमयादिशु, जो व्रतों में स्थित हैं और आमय मतलब रोग आदि से जिनके शरीर में पीड़ा है, ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना, अनात्म तर्को भूत्वा जैसे अपने शरीर में ही मानो रोग है ऐसा मान करके जो वैयावृत्ति करते हैं, अपने से अभिन्न मानते हुए उनकी वैयावृत्ति करते हैं। वैयावृत्ति को तपस तप का प्राण बताया है, तप का हृदय बताया है। वैयावृत्यम ही तपसो हृदय ब्रूते जिनाह, दिनेन्द्र देव ने कहा है, वैयावृत्ति ये भावना, वैयावृत्ति ये गुण, तपस्या का प्राण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैयावृत्ति के लिए भगवती आराधना में
छपक जो आरा साधना कर रहे हैं, शरीर काय और कषाय को क्रश करते हुए जो संलेखना ग्रहण कर चुके हैं, उनकी भैयावृत्ति के लिए तो आचार्य ने बताया है कि साधु अपनी स्वाध्याय आदि को छोड़कर उनकी भैयावृत्ति में प्रवृत्ति करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है। आज भी मैंने देखा है संघों में जो साधु एक दिन उपवास, एक दिन पारणा आदि अनेक उपवास करते हैं, वो भी जब भैयावृत्ति का प्रसंग आ जाता है तो उपवास गौण कर देते हैं, उपवास कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नियम नियम को नहीं भंग करेंगे, लेकिन जिनके उपवास करने का भावना बनी रहती है तो कम कर देते हैं, एक उपवास एक पारणा न करके चलो हम दो पारणा करके उपवास करेंगे, क्योंकि भैयावृत्ति प्रमुख है, बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा गुण है भैयावृत्ति करना। आज भी हम देखते हैं ये पाश्चात्य संस्कृति ने जो अपना प्रभाव जमाया, उसमें एक कारण ये भी रहा कि वो सेवा धर्म को प्रमुख करके और सारे भारत पे छा गए। तो सेवा धर्म अपने जैन ग्रंथों में विशेष रूप से कहा है, गुरुओं की साधुओं की भैयावृत्ति करना ही घर में वृद्ध माता पिता उनकी भैयावृत्ति करना, बड़े जनों की करना, छोटे जनों की करना, कोई भी अशक्त हो, अड़ोस पड़ोस में हो, कोई अरे पशु जैसे तुच्छ प्राणी, मरणासन्न स्थिति में कुत्ता और उसको नमोकारवन सुनाया जीवन दशाई ने, ये क्या भैयावृत्ति है, परोपकार भावना, जैसे बने वैसे उसका उपचार करना, प्रासुक उपचार, हमेशा इस बात को और ध्यान में रखना कि अशुद्ध औषधि मांसजन प्राणीजन औषधि से किसी की उपचर्या करने से पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। तो प्रासुक औषधि आदि से उपचार करना, नारायण सेवा संस्थान आदि में देखो कितने अपंग लोगों का और कितने लोगों का उपकार, कितना बड़ा, सचमुच में बहुत बड़ा धर्म है, दया धर्म प्रधान है। तो भव्यात्मा भैयावृत्ति यहाँ तो मुख्य रूप से साधुजन तो साधुओं की ही करेंगे और उपदेश देंगे आप सबके करने की, और गृहस्थ यथा योग्य सभी की भैयावृत्ति करेंगे, सबका विनय भैयावृत्ति यथा योग्य उचित। और इस प्रकार से ज्ञानवान मुनियों की सेवा वो करते थे। और आगे बताते हैं अरहत भक्ति, अरहत भक्ति हुई काम धेनु एकाग्नि सरुष खान रखते। भव्यात्माओं अरहंत भगवान की भक्ति काम धेनु के समान उत्तम उत्तम फल देने वाली है, मनोरथ को सफल करने वाली है। और एकाग्नि एक अकेली भक्ति, एका भी समर्थ है हम जिन भक्ति दुर्गति निवार, एक अकेली भक्ति दुर्गति में जाने से आपको रोक लेगी, पुण्यान च पूरे तुम और पुण्य का भंडार भर देगी, धातु मुक्त श्रेय करना और मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान कर देगी। भगवात्मा भैयावृत्ति की महिमा और उससे आगे अरहंत भक्ति की महिमा। अरहंत भक्ति, अरहंत भगवान जिनेन्द्र देव अरहंत सिद्ध इसमें सब शामिल हो गए, इनकी भक्ति काम धेनु के समान अरहंत भक्ति करना, पूजा प्रभावना आदि गृहस्थ पूजा प्रभावना आदि के द्वारा करेगा, महामुनि अरहंत भक्ति का उपदेश देंगे, स्वयं अरहंत भक्ति, अरहंत भक्ति से ही सामायिक और अधिक जो अपनी क्रियाएं करते हैं स्तव वंदना आदि को सब अरहंत भक्ति में सम्मिलित। आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति से बहुत प्रकार के मंत्र विद्याएं सिद्ध होती हैं, बिना आचार्य की भक्ति के संसार समुद्र को हम पार नहीं कर सकते। आचार्य की भक्ति करना, आचार्य जो नग्न दिगंबर साधु संघ के नायक चतुर्विध संघ का संचालन करने वाले चतुर्विध संघ में जो प्रमुख होते हैं वो आचार्य कहलाते हैं, उनकी भक्ति। बहुसुत भक्ति, जो संघ में नग्न दिगंबर महासाधु उपाध्याय पद में प्रतिष्ठित हैं, स्वयं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ग्यारहांग चौदहपुर के पाठी हैं अथवा तत्कालीन समस्त सुर्ख के पारंगत, उनकी भक्ति। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, आगम की भक्ति, अहिंसा परमो धर्मः ऐसे धर्म का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ जैन वाङ्मय, उनकी भक्ति प्रवचन भक्ति। आवश्यकता प्रहाणी, अपनी समय समय पर जो आवश्यक क्रियाएं जब करना चाहिए तब करना, उनमें हानि नहीं लगाना, सामायिक के समय सामायिक, समता स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और काव्य सर्वे क्रियाएं हैं यथा उचित आगम के अनुसार। आपके लिए देव पूजा गुरु पाठ स्वाध्याय संयम तप दान ये छह क्रियाएं, इन आवश्यक क्रियाओं में हानि नहीं करना, आवश्यक अपरिहानि। मार्ग प्रभावना,
और मार्ग मोक्ष मार्ग, उसका प्रभाव विस्तारित करना, मोक्ष मार्ग में चलना चलाना और प्रवचन बसलत चतुर्विसंग में प्रेम, गाढ़ प्रेम, निसर्ग प्रेम, वात्सल्य, अनुराग, ये स्वराकार भावनाएं। इनमें से दर्शन विशुद्धि प्रमुख है, वो तो अवश्य होनी ही चाहिए। अन्य शेष भावनाओं में कुछ कम बेसी भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का आबंध हो सकता है। बद्धात्माओं, अनंत अनंत तीर्थंकर जूतर पर हो चुके हैं, अधिकतम अगर एक साथ चतुर्थ काल में एक साथ अगर तीर्थंकर हो जाए तो 170 कर्म भूमियों में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। उनके प्रतीक में भगवान अजितनाथ के समय 170 तीर्थंकर हुए हैं। उनके प्रतीक में यहाँ 13 द्वीप रचना में जम्बूद्वीप स्थल पर 13 द्वीप की जो रचना बनी हुई है, 13 द्वीप जिसमें दिखाए गए हैं, वहाँ पर 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमि में 170 समोसरण दिखाए गए हैं। 170 समोसरणों में प्रत्येक समोसरण में भगवान चार चार प्रतिमाएँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा के स्वरूप में चार चार प्रतिमाएँ विराजमान हैं। ऐसे उन 680 भगवंतों को नमस्कार। बद्धात्माओं, ऐसे तीर्थंकर अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकरों की परंपरा अनादि है, अनंत है, हमेशा आगे चलती रहेगी। इस युग में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनके भवों का वर्णन सुन रहे हैं वो ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। भव्यात्माओं, इस प्रकार से सुराकांड भावना भाते हुए वो महामुनि राजा वज्रजंग चक्रवर्ती और सोलाकरण भावनाओं को भा रहे हैं अपने पिता तीर्थंकर भगवान के पादभूत में। भाते भाते उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। स्वबंध महत् पुण्यम त्रिलोक्य क्षोभ कारण, ऐसे वो ततो मूर भावना सम्यक भावयन मुनि सत्तमहा स्वबंध महत् पुण्यम त्रैलोक्य क्षोभ कारण। महापुराण में श्री जिनसेवंत स्वामी कहते हैं कि वो महामुनि इन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, जो कि तीनों लोकों में क्षोभ को करने वाला है, तीनों लोकों में चमत्कार फैलाने वाला, तीनों लोकों को आश्चर्य करने वाला, तीनों लोकों में विस्मयकारी, ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। एक के चक्रवर्ती और भव्यात्मा, आपने सुना होगा शुभम चक्रवर्ती हुए हैं। इसी भरत क्षेत्र के एक चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती में से एक चक्रवर्ती शुभम हुए हैं, जिन्होंने महामंत्र का बड़ा हृदय विदीर्ण करने वाला उदाहरण चक्रवर्ती। एक रसोइये को क्रोध से उसके ऊपर गरम गरम खीर का बर्तन पटक दिया था, वो मर करके व्यंतरवनी में पहुंच गया था, और उसने बदला चुकाने के भाव से चक्रवर्ती को लोभ दिया, प्रलोभन दिया, कुछ फल लाया। और चक्रवर्ती ने पूछा कहाँ होते हैं, बोले चलो आपको दिखाते हैं जहाँ होते हैं। चक्रवर्ती उनके साथ चल पड़ा। मंत्री ने कहा महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बुद्धि कर्मानुसार चल पड़ा। फलों के लोभ में राज्य का लोलुप चक्रवर्ती जब वो ले जाता है एक समुद्र में, और गहरे समुद्र में पहुँच कर कहता है कि बस मैं अब तुझे डुबोऊंगा, ये समुद्र में डूबो कर मारूंगा, मैं तेरा रसोईया हूँ। अब वो चक्रवर्ती सुभाम जल्दी जल्दी मन मन में नमोकार मन जपने लग गए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बज्झाणम, नमो लोए संसार, महामंत्र को जपने लग गए, महामंत्र को स्मरण करने लग गए, जल्दी जल्दी मन में जपने लग गए। वो मार नहीं पाया, वो व्यंतर देव उसे मार नहीं पाया, उसे डुबो नहीं पाया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म जब रक्षित है, मंत्र हृदय में विद्यमान है, महामंत्र नमो का मंत्र, भगवंतों का नाम हृदय में विद्यमान है, कोई मार नहीं सकता। वो मार नहीं सका, अति देर हो गई, बहुत देर हो गई। वो सोचने लगे क्या बात है, मैं इसे समुद्र में डुबाना चाहता हूँ, क्यों नहीं डुबो पा रहा हूँ। तब वो युक्ति सुन, वो कहता है राजन चक्रवर्ती, आप जिस मंत्र को जप रहे हैं उसे छोड़ दो, उसे यहाँ लिख करके मिटा दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। वो मायाचारी करता है,
षड्यंत्र करता है। वो कहता है मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब राजा घबरा गया, सम्यक तो सेतु श्रद्धान विचलित हो गया और उसने मंत्र को लिखा और उसे मिटा दिया, मंत्र को छोड़ दिया और व्यंतर ने उसे डुबो दिया। वो मर करके नरक चला गया। आज भी वो शुभम चक्रवर्ती नरक में दुख उठा रहा है। भगवात्मा इसीलिए मैं कहती हूँ जो मंत्र यहाँ प्रतिदिन ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः मंत्र का जाप हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, कितने भक्त आते हैं उन्हें यहाँ ये मंत्र दिया जा रहा है, हजारों हजारों लोग मंत्र लेकर गए और लाखों लाखों मंत्र जप रहे हैं, करोड़ों करोड़ों मंत्र जपे जा रहे हैं विश्व शांति की भावना से, विश्व शांति की कामना से। करोड़ों करोड़ों मंत्रों का जाप, नमोकार मंत्र का जाप, एक भगवंतों की तीर्थंकर के नाम मंत्र का जाप, ओम ह्रीम हनुमत्री आदिनाथाय नमः आदि मंत्रों के जाप करोड़ों करोड़ों किए जा रहे हैं। भगवात्मा आचार्य ने बताया है इन मंत्रों की ध्वनि जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ वहाँ तक के जीव सुरक्षित रहेंगे, कोई भी आतंकवादी उन्हें मार नहीं सकेगा। मंत्र की शक्ति, व्यंतर भी जिसे मार नहीं सका। इसीलिए विश्व शांति के लिए हम जैन साधु क्या कर सकते हैं, विश्व शांति के लिए अनेक मंत्रों के अनुष्ठान, अनेक विधानों के अनुष्ठान, अनेक अनुष्ठान। चक्रवर्ती की रक्षा करने वाला वो मंत्र जब तक उसके हृदय में रहा तब तक उसकी रक्षा रही, और जैसे ही उसने मिटाया वैसे ही व्यंतर ने उसे डुबो दिया, मार दिया, मर करके नरक चला गया। इस उदाहरण से स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। आज हम मंत्र को घर से बाहर निकलते हैं मन में आप जपते रहिए, कम से कम ओम नमः ओम नमः ओम नमः इसी मंत्र को आप जपते रहिए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सिद्धाय नमः, ओम नमो अरिहंताण, अरहंत सिद्ध, केवल इतना ही मंत्र जपते रहिए। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि रास्ता चलते मार्ग करते चलते अरहंत सिद्ध भवरोग वैद्य, अरहंत सिद्ध भवरोग वैद्य, अरहंत सिद्ध भवरोग वैद्य, अरहंत सिद्ध, ये भाव रोग संसार रोग के लिए वैद्य है, इतने ही जपते रहो, रास्ता चलते रहो। भव्यात्मा समय शिखर के पहाड़ पर कोई चढ़ता है, पार्श्वनाथाय नमः पार्श्वनाथाय नमः पार्श्वनाथ की जय हो करते करते और 18 किलोमीटर की मंजिल पार कर लेता है, 27 किलोमीटर तक चला जाता है, 27 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, और यूँ तो 1 किलोमीटर चलना नहीं आएगा, गाड़ी कार और साधन चाहिए, कुछ नहीं तो रिक्शा ही चाहिए। तो ये सब क्या है, मंत्रों की शक्ति। आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं भगवात्माओं, तो विश्व शांति के लिए प्रदर्श घाती कर्माणा केवल ज्ञान भास्कर कुरवंतु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। इसी भावना के साथ मेरी यही प्रेरणा है कि आप भी सब लोग जितना हमारा प्रवचन सुन रहे हैं सब लोग जैन हो जैनेतर कोई भी हो, ओम ह्रीम विश्व शांति करायो श्री शांतिनाथाय नमः इस मंत्र को हमेशा जपते रहें, आपकी रक्षा होगी, आपके देश की रक्षा होगी, आपके राष्ट्र की रक्षा होगी और सारे विश्व में शांति होगी। यही मेरी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। श्रीमते सकल अज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे। महानुभाव आप सुन रहे हैं महापुराण अंतर्गत आदि पुराण। भगवात्मा भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार 10 भव, उनमें से आप सुन रहे हैं 8वें भव को वज्रनाभि चक्रवर्ती। जीर्ण तृण के समान संपूर्ण चक्रवर्ती के वैभव को छोड़ करके और जिन्होंने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा ली, किस लिए? सुख होता संसार विषय तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये वैराग्य भावना की पंक्तियाँ कवि जिस कवि ने जिस भाव से संजोई होंगी, सचमुच में हृदय स्पर्शी। बचपन से जिनको मैं खूब अच्छी तरह पढ़ा करती थी और वैराग्य दृढ़ होता था, भव्यात्माओं
वो चक्रवर्ती बदनामी। सुख होता संसार विषय तो तीर्थंकर क्यों जागे? अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती क्यों छोड़ते? चक्रवर्ती का वैभव तीर्थंकर, उनके पिता वज्रसेन ने तीर्थंकर अवस्था में सारे वैभव को छोड़ा था और ये चक्रवर्ती होकर के इन्होंने सारे वैभव को छोड़ दिया और घोरा घोर तपस्चरण कर रहे हैं। किस लिए? 16 कारण भावनाओं को भाई पिता के चरण सानिध्य में भव्यात्माओं, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे सदैव स्मरण पथ में आया करती है। इन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी तपश्चर्या के प्रभाव से। उन रिद्धियों में एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, रस त्याग प्रतिज्ञस्य रस रिद्धि रघुन मुने सूते निवृत्तिरिष्टार्थाद अधिकम ही महत्फलम। भव्यात्मा वो 12 प्रकार के तपों का अनुष्ठान करते थे, उसमें एक है रस परित्याग तप, नमक घी दूध दही आदि रसों का त्याग करना। किस लिए करते थे वो रस परित्याग? रस त्याग प्रतिज्ञा से, रस त्याग की प्रतिज्ञा करने वाले महामुनि के रस रिद्धि रघुन, रस रिद्धि प्रकट हो गई थी। विष भी हाथ पर अगर आ जाए आहार के समय तो अमृत बन जाता था और उनके वचन अमृत के समान भव्यों को गुणकारी होते थे। उनके वचन से, वचन रूपी अमृत से लोगों के विष उतर जाते थे। क्षीर श्रावी, अमृत श्रावी, सर्पी श्रावी, मधुर श्रावी, ऐसी रस रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी। भव्यात्मा अमृत श्रावी रिद्धि आदि रिद्धियाँ आज हम और आप जो तपस्रण करते हैं, जो उपवास व्रत आदि करते हैं, किस लिए? केवल आत्मा को कष्ट देने के लिए, शरीर को कष्ट देने के लिए ही नहीं है, आत्मा को पुष्ट करने के लिए, आत्मा की नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्रकट करने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। व्यर्थ ही हम लोग तपस्रण नहीं करते हैं, आत्मा के अनंत अनंत गुणों को विकसित करने के लिए करते हैं। अनंत अनंत सुख को विकसित करने के लिए, अनंत सुख, अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख, परमानंद सुख, जो कभी भी जिसके बाद दुख ही न हो, ऐसे आत्यंतिक सुख को प्रकट करने के लिए ही तपस्रण करते हैं भव्यात्मा। तो रस त्याग प्रतिज्ञा करने वाले महामुनि की रस रिद्धि प्रकट हो जाती है। ये निवृत्ति ही इष्टार्थात अधिकम ही महत्फलम, ये जो त्याग है वो इष्ट जितना आपने सोचा है, जितना मनोरथ बांधे हैं, उनसे भी अधिक महान फल को देने वाला होता है त्याग भव्यात्मा। इस प्रकार से उन्होंने नाना प्रकार के रिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई उससे अपेक्षाएं नहीं थी। और किसी समय वो वज्रनाभि चक्रवर्ती श्रीप्रभ नाम के ऊंचे एक पर्वत पर आरूढ़ हुए और ध्यान में लीन हो गए, एकदम निश्चल ध्यान, चित्त चैतन्य से भगवान आत्मा के ध्यान में निमग्न हो गए। रत्नत्रय समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र, तीनों की एकाग्रता, तीनों में एक पना तन्मयता, चित्त चैतन्य से भगवान आत्मा में एकदम तन्मय हो जाना, उस सुख में निमग्न। इस प्रकार से आनंद जो उत्पन्न होता है, आनंदो निर्धत्त युद्धम कर्म ईंधन मनार्थ, जो आत्मा से उत्पन्न हुआ आनंद, ध्यान में उत्पन्न हुआ आनंद, नाचने और गाने वालों को आनंद नहीं मिल सकता है, वो तो आनंद कहते हैं भव्यात्मा। कोई कोई नाचते गाते ध्यान कराते हैं, किंतु जैन शास्त्रों में चित्त चैतन्य भगवान आत्मा का ध्यान निश्चल शरीर को एकाग्र करके, स्थिर करके, योग मुद्रा अथवा जिन मुद्रा आदि में बैठ करके, निश्चल नासाग्र दृष्टि करके, बीच राग अवस्था को प्राप्त करके, वो ध्यान होता है भव्यात्माओं। ध्यान में लीन हुए, छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण करने वाले महामुनि निर्वस्त्र अवस्था, दिनग्रंथ अवस्था में ही ये गुण स्थान होते हैं। आज पंचम काल में छठे और सातवें तक ही गुण स्थान है मुनियों के, चतुर्थ काल में उत्तम सवनधारी महासाधुओं के ये गुण स्थान, छठे से सातवें और आठवें में पहुंचकर ध्यान में लीन, नौवें दसवें में गुण स्थान में पहुंच गए और एकदम मोह उपशांत हो गया, उपशम श्रेणी में चढ़ गए, मोह एकदम उपशांत हो गया। और ग्यारहवें में पहुंचते हैं उपशांत कषाय नाम के गुण स्थान में पहुंचते, एकदम मोह उपशांत, अंतर्मुहूर्त के लिए बिल्कुल शांत हो गया, वो निर्विकल्प अवस्था, वो ध्यान अवस्था
उसका वर्णन हम और आप अनुभव में नहीं कर सकते। वो तो जिन्हें प्राप्त होता है उन्हें प्राप्त होता है भव्यात्माओं, हम और आप उसकी भावना भाए। गोगुण स्थान में पहुँचते ही वहाँ उनकी आयु पूर्ण होती है और आयु के अंत में शरीर से आत्मा निकल जाती है। और वो कहाँ पहुँचते हैं भव्यात्मा, वो कहाँ पहुँचते हैं? एकदम निर्विकल्प ध्यान में, ग्यारहवें गुण स्थान में आयु की समाप्ति का होना, ग्यारहवें गुण स्थान का काल पूर्ण होना और सर्वार्थ सिद्धि में पहुँच जाना। वहाँ जाकर एकदम सर्वार्थ सिद्धि में उपपाद सैया से जन्म लेकर के अहमिंद्र हो जाते हैं। धन्य है वो महापुरुष, अहमिंद्र अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया सर्वार्थ सिद्धि में। भव्यात्मा, सचमुच विचार करके देखा जाए तो जैसा इसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, संपूर्ण मनोरथों की, संपूर्ण प्रयोजनों की, संपूर्ण कार्यों की जहाँ सिद्धि हो चुकी, सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र नियम से एक भवावतारी होते हैं, नियम है, और सभी को प्राप्त नहीं हो सकती वो अवस्था। जैन महाभारत के अनुसार, पांडव पुराण के अनुसार भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन ने मोक्ष प्राप्त किया, शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया था, और उनके भाई नकुल और सहदेव ने इसी प्रकार उपशम श्रेणी में आरोहण करके और सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया था। आज सर्वार्थ सिद्धि में विराजमान है ये भगवान ऋषभदेव के जीव जो बद्रनाभिक हुए चक्रवर्ती, इन्होंने जब सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया वो तो च्युत होकर तीर्थंकर होकर मोक्ष चले गए। भव्यात्मा, सर्वार्थ सिद्धि जिससे सिद्ध शिला मात्र 12 योजन दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए भव्यात्माओं, मोक्ष जाने के लिए उन्हें अभी एक भव लेना पड़ेगा, मनुष्य पर्याय में माता के गर्भ में आना होगा, गर्भज जन्म लेना ही होगा। गर्भ जन्म से उत्पन्न हुए कर्मभूमि मनुष्य ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भव्यात्मा, यह उपवास सैया से इनका जन्म, अहमिंद्र अवस्था की प्राप्ति, यह 9वां भव। भव्यात्मा, ये सर्वार्थ सिद्धि कहाँ है? आप 3 लोक का नक्शा देखिए और स्वयं प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट 3 लोक का ध्यान अवश्य करें। मैंने पहले भी आपको सिखाया है, खड़े हो जाएं, पैरों को, दोनों को पैरों को फैला करके और कटी पर, कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो जाएं, 3 लोक का आकार बन जाता है। जैन का प्रतीक भी 3 लोक के आकार का ही निर्धारित किया गया है। सन 1974 में भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के समय 3 लोक का प्रतीक, ये जैन का प्रतीक माना गया, 3 लोक का चिन्ह। आप 3 लोक को देखें, नीचे सबसे नीचे निगोद है, पुनः 7 नरक हैं, 7वीं पृथ्वी, 7वां नरक, 6ठा, 5वां, 4ठा, 3रा, 2रा, 1ला, 7 नरक है नीचे अधोलोक में। पुनः अधोलोक में ही पहली पृथ्वी के 3 भाग थे, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। भव्यात्मा, खर भाग में भवनवासी के 9 प्रकार के भवनवासियों के असुर कुमार को छोड़कर भवनवासी असुर नाग, नाग कुमार आदि व्यंतर भवनवासी देवों के 9 प्रकार के और व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, उनमें से 7 प्रकार के ऐसे 16 प्रकार के, यानी भवनवासी के 9 प्रकार के देव और व्यंतर के 7 प्रकार के ऐसे उनके भवन खर भाग में बने हुए हैं और पंख भाग में असुर कुमार के देव, भवनवासी जाति के असुर कुमार के देव और राक्षस जाति के देवों के, व्यंतर के राक्षस जाति के देवों के भवन बने हुए हैं। ये देव स्वयं विक्रिया से सुंदर शरीर वाले हैं, अणमा महिमा आदि रिद्धि वाले हैं, फिर भी इनके जाति हैं, प्रकार हैं, विक्रिया से चाहे जैसा रूप बना ले, विकृत भयंकर, लेकिन ये विकृत और भयंकर नहीं। तो अधोलोक के भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर माने गए हैं, जितने उनके भवन उतने ही मंदिर, और एक एक मंदिरों में 108 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं,
जिनको हम और आप प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, अधोलोक के 772 लाख जिन मंदिरों को उनकी प्रतिमाओं को नमस्कार, व्यंतर जो असंख्यात ये मध्यलोक में भी हैं, इनके भवन भवनपुर और आवास ऐसे माने गए हैं। तो भवन तो नीचे बने हुए हैं अधोलोक में, भवनपुर और आवास मध्यलोक में हैं, तमाम द्वीप में, समुद्र में, पर्वतों पर, वृक्षों में आदि, जो जम्बू वृक्ष आदि पर, ये सब भवनवासी के भवनपुर आवास आदि हैं, ऐसे व्यंतरों के भी हैं। तो भव्यात्माओं, ये अधोलोक का वर्णन मैंने संक्षेप में किया। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक राज्य विस्तृत मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अपने कटी भाग के स्थान पर, नाभि के स्थान पर मध्यलोक मान लीजिए और आप ध्यान कीजिए, तो अधोलोक के 772 लाख जिन मंदिरों को अपने नाभि से नीचे स्थापित करके और उनको नमस्कार कीजिए, पुनः मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहाँ व्यंतर देवों के असंख्यात जिन मंदिरों गए हैं और ज्योतिर्वासी देव जो कि हमें दिखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे आकाश में अधर, धरती से 790 वजन से जो शुरू है, इन विमानों में असंख्यात विमान है, जम्मू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्रों में ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यात विमान हैं और असंख्यात जिन मंदिर, हर एक विमान में एक एक मंदिर, ताराओं के विमान में भी एक एक मंदिर, जो आपके रुपये के समान छोटा सा चमकता दिखता है, वो लगभग 250 मील का कम से कम छोटा छोटा विमान है, दूर होने से छोटा दिखता है। सब में जिन मंदिर हैं, ज्योतिर्वासी देवों के भी असंख्यात जिन मंदिर हैं मध्यलोक में, तो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र, 250 द्वीप तक मनुष्यों का आवास, मनुष्यों का रहना। आपको 250 द्वीप की व्यवस्था समझनी है, हसनापुर में आए, 13 द्वीप मंदिर का दर्शन करते हुए खड़े हों, वहाँ पर सब आपको दिखाया जाएगा। 250 द्वीप में आपने देखा है, जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में, जो कि जम्बूद्वीप खुले मैदान में यहाँ बना हुआ है हसनापुर में, उसमें ही विदेह क्षेत्र में इनके भव दिखाए गए हैं। महाबल का भव विदेह क्षेत्र में है, पश्चिम विदेह में, पूर्व विदेह में है वज्र जंग का भव, और राजा वज्र जंग, राजा सुविधि पूर्व विदेह में हुए हैं, वज्रनाभि चक्रवर्ती भी पूर्व विदेह में हुए हैं। तो भव्यात्माओं, ये सब व्यवस्था आप हस्तनापुर में आकर के जम्बूद्वीप में और 13 द्वीप में देखें, कहाँ कहाँ इन लोगों के जन्म पूर्व में हुए हैं और स्वर्गों में। सर्वार्थ सिद्धि, ऊर्ध्वलोक का वर्णन मैं आपको बताऊं संक्षेप में। ऊपर जो ऊर्ध्वलोक में कृष्णादि में स्वर्ग है, स्वधर्म ईशान, दो दो के युगल, स्वधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, नांतो, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 16 स्वर्ग क्रम से, और पुनः नवग्रेवेक है क्रम से एक एक पटल पर, पुनः नवग्रेवेक के बाद नव अंतिश है जो कि समतल में बीचों बीच में एक, और चारों दिशाओं में चार, और चारों दिशाओं में चार, ऐसे नव अंतिश, और ऊपर 5 अनुत्तर, विजय वैजयंत जयंत अपराजित, ये 4 दिशाओं में है, और बीच में है सर्वार्थ सिद्धि विमान, वैमानिक देवों के वहाँ तक आवास, ये कल्पातीत कहलाते हैं। सौधर्म स्वर्ग से अच्युत स्वर्ग तक कल्प और ऊपर कल्पातीत, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हो गए। ये तीन लोग की व्यवस्था, तीन लोग की रचना आप तीन लोग के चित्र में भी देखें, और हसनापुर में निकट भविष्य में आप तीन लोग की रचना में आपको सब स्वर्ग दिखाए जाएंगे, स्वर्गाधिक, और आप सर्वार्थ सिद्धि तक पहुँचेंगे, चढ़कर दर्शन करेंगे, सीढ़ियों से अंदर चढ़कर दर्शन करेंगे, और सिद्ध शिला पर पहुंचकर सिद्ध शिला के दर्शन करेंगे, सिद्ध भगवंतों के दर्शन करेंगे। तो भव्यात्माओं, सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचे वज्रनाभि चक्रवर्ती, वहां पर अहमिंद्र हो गए, अहमिंद्र के सुखों का अनुभव कर रहे हैं भव्यात्माओं, अहमिंद्र की व्यवस्था आप सुनेंगे। तो यह तीर्थंकरों के भाव हमारी जन्म जन्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए बहुत बड़े कारण निमित्त हैं। हम भी अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बना सकते हैं, जैसे उन्होंने बनाया, क्रम क्रम से उत्थान करते हुए, प्रध्वस्त घात कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुरवंतु जगताम शांति विश्वादा जिनेश्वरा। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्रीमते सक्र ज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्म चक्र वृते वर्त्रे नमः संसार भी उसे। महानुभाव, महापुराण का स्वाध्याय
आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप भगवान ऋषभदेव के नौवें भाव में चलेंगे, सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र, ये नौवां भाव है। उपपाद सैया पर वो जैसे दिव्य हंस उठकर बैठ जाए, एकदम उपपाद सैया खुलते ही अहमिंद्र उठकर बैठ गए, चारों तरफ से जय जयकारा हो गया और निकटवर्ती सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उसी समय तमाम अहमिंद्र जो है सामने आ गए। ऐसी अहमिंद्र की विभूति कैसी है, वहाँ एक हाथ मात्र का शरीर, सुंदर वैक्र दिव्य, स्त्रियाँ नहीं है, 16 सर के ऊपर स्त्रियों का सुख नहीं है, देवांगनाएं नहीं है, वो असम अहमिंद्र है। वहाँ पर इंद्र सामानिक पार्षद आत्मरक्ष प्रकीर्णक आदि की व्यवस्था नहीं है, दस प्रकार का भेद नहीं है, कोई इंद्र है, कोई सामानिक, कोई पार्षद, कोई प्रकीर्णक जाति के देव, कोई आवियों की जाति के देव आदि कोई भी नहीं, सभी अहमिंद्र अहमिंद्र है, अहम इंद्र, मैं सब इंद्र 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 का वैभव सुख सबको है, सब एक समान। आज जो भारत में या कहीं पर भी किसी समानता की स्थापना करने की भावना करते हैं, आप देखें 16 सर तक भी समानता नहीं है। कोई पुण्य के फल से इंद्र है तो कोई पुण्य पाप मिश्रित पुण्य के फल से उनके आवियोग जाति के देव हैं, कोई किदृषक जाति के देव हैं जो बाद वगैरह बजाते हैं, जैसे यहाँ व्यवस्था वैसे वहाँ व्यवस्था। कर्म भूमि में अपने सुकृत और दुष्कृत का फल और मिश्रित फल सभी को भोगना पड़ता है। इस व्यवस्था को किसी ब्रह्मा ने, विधाता ने बनाया नहीं, बताया है। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने, तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी दिव्य वाणी से बताया है। अहमिंद्र में समान व्यवस्था है, किसी प्रकार से कोई ऊंच नीच व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर 33 सागर की उत्कृष्ट आयु और दिव्य सुख। वो क्या करते थे सदा, इतने इतने काल तक कैसे व्यतीत करते हैं समय को बताते हैं। तत्रस्थ एव चाशेष भूनोदर वर्तनी ही आनर चार चाह जिनेन्द्राणाम सोग्रणी पुण्यकर्मणा। वहाँ पर जो जिन मंदिर बने हुए हैं और उसमें जो भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, आकृतिक जिन प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर रत्न निर्मित, उनकी आनर से अर्चा करता था, पूजा करता था। जिनार्चा स्तुति वादेशु वाग वृत्तिम तद्गुण श्रुतु स्व मनस तन्नतौ कार्यम पुण्यधी सन्नियोज्य। भव्यात्मा धर्म गोष्ठीसु अनाहुत मिलते ही स्व समृद्धि भी संभाषणा धरो चासी अहम इंद्र ही शुभम युभि। वहाँ पर भगवंतों की पूजा अर्चा और स्तुति गुणानुवाद, इसमें अपने वचन की प्रवृत्ति लगाते थे और अपने मन को उनके गुणस्तवन में लगाते थे, गुणों का स्मरण में लगाते थे, मन को गुणों का स्मरण में, भगवंतों के गुणों का स्मरण करना मन पवित्र होता है, वचनों से स्तुति करना वचन पवित्र होते हैं, और कायम पुण्यधि तन्नतौ भगवंतों के नमस्कार करने में शरीर पवित्र हो जाता है। आप भी वचन से स्तुति करें, वचन पवित्र करें, मन में गुणों का स्मरण करें, मन पवित्र होगा, और शरीर को नमस्कार करें, पंचांग नमस्कार करें, साष्टांग नमस्कार करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें, मुगलित कर वंदना करके नमस्कार करें भगवंतों को, गुरुओं को, तो शरीर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से धर्म गोष्ठी और प्रतिदिन हमेशा हमेशा तमाम अहमिंद मिल करके आपस में धर्म चर्चा करते थे, प्रसन्न मना धर्म की चर्चा किया करते थे। आज भी कर रहे हैं तमाम वहाँ अहमिंद्र वहाँ धर्म की चर्चा करते रहते हैं, संभाषण आदर परस्पर में मिल करके और धर्म की चर्चा करते हुए अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। भव्यात्माओं, उनके सबके शुक्ल लेशा ही होती है, पर क्षेत्र में विहार नहीं होता है, वहीं वहीं उनका विहार रहता है, अन्य दूसरे कहीं विमानों में अन्यत्र कहीं भी गमनागमन नहीं होता है। एक हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणकों में आते हैं देवगण इंद्रगण, सब 16 सर्ग तक के ही आते हैं, ऊपर के देव वहीं वहीं से नमस्कार करते हैं, परोक्ष से ही नमस्कार करते हैं, अपने दिव्य अवधि ज्ञान से भगवंतों के कल्याणकों में नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं। मनुष्य लोक में मध्य लोक में यत्र तत्र कहीं भी उनका गमनागमन नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। नरक में किसी नारकी को संबोधन के लिए जो जाते हैं, बस
16 सर्प तक के देव ही जा सकते हैं, ऊपर के इंद्र नहीं जाते। वहाँ ईर्ष्या नहीं है, केवल सुखमय जीवन। अपने से अपनी आत्मा से उत्पन्न में स्वाधीन सुख का अनुभव करते हैं वो देवगण। मध्यात्मा सचमुच में विचार करके देखा जाए तो आचार्य देव क्या कहते हैं कि सुकृत फल मुदारम विद्धि सर्वार्थ सिद्धौ दुरित फल मुदग्रम सप्तमी नारकाण सम दम यम योगैरग्रिमं पुण्यभाजां असम दम यमानां कर्मणां दुष्कृतेन। संक्षेप में वो बता रहे हैं कि संसार में तीनों लोकों में सबसे अधिक सुख अगर है, सुकृत फल उदारम पुण्य का फल सबसे अधिक अगर है तो सर्वार्थ सिद्धौ विद्धि। हे भव्यात्माओं, तुम समझो मानो कि सर्वार्थ सिद्धि में ही सबसे अधिक पुण्य का फल, सबसे अधिक सुख सर्वार्थ सिद्धि में, और दुरित फल उदग्रम और पाप का फल सबसे अधिक कहाँ पर है? सप्तमी नारकाणाम, सातवीं पृथ्वी के नारकियों के सबसे अधिक पाप का फल वहाँ मिलता है। वहाँ कितने रोग एक साथ हो जाते हैं नारकियों के? व्याधे पंचह कोट, व्याधे कोट्यः पंच भवन्ति अष्टाधिक षष्टि लक्षाणी नवनवति सहस्राणी पंचशती चतुर्थी तटिका एतत् संख्यान महारोगान पश्यन्नपि न पश्यति इन्द्रियैर्मोहितो मूढ़ा परलोक परामुख। एक साथ सभी रोग अगर हृदय में आ जाए तो 5,68,99,584 इतने रोग एक साथ सातवीं नरक में नारकियों के एक साथ हृदय में आ जाते हैं। रोग से व्याप्त शरीर, करोड़ों करोड़ों व्याधियां, छिद्र सहित ऐसा घृणित दुर्गंधित शरीर जिसकी एक कण भी मिट्टी यहाँ आ जाए तो कई कोस के जीव मर जाए। इतनी भयंकर दुर्गंध, इतनी भयंकर अशुचि स्वरूप मिट्टी, विषैली भयंकर, जैसे विषैली गैस रिसने से तमाम लोग मर गए, ऐसे विषैली मिट्टी। भव्यात्मा, नरक में सबसे अधिक पाप का फल भोगना पड़ता है। ये नरक और स्वर्ग की व्यवस्था, इसे नहीं मानने वाले नास्तिक। ये व्यवस्था है, हम और आप कहीं ना कहीं से आए हैं और कहीं ना कहीं शरीर को छोड़कर कहीं ना कहीं जाना है। इस लोक और परलोक की व्यवस्था, आत्मा का अस्तित्व, परमात्मा का अस्तित्व, आस्तिकवादी इस पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति के लोग इस पर विश्वास करते हैं। सम दम यम योग ही, सम दम और यम तीन चीज़ें मुख्य हैं। जैन शासन में सम कषायों की बंधता, कषायों की उपशमता, क्रोध मान माया लोभ इनको एकदम घटाना, मंद होना, कम होना, क्षमा भाव, मार्दव भाव, विनम्रता, अलोभ का अभाव, सम और दम यानी इंद्रियों का निग्रह, पंचेंद्रियों मन पर विजय प्राप्त करना, और यम व्रतों को ग्रहण करना, यम माने संयम, व्रतों को ग्रहण करना। मध्यात्माओं, सम दम और यम इनके योग से ही पुण्य का संचय होता है, ये जीव आत्मा को परमात्मा बना सकता है। ये सम दम शासन है, सम दम यम शासन, जैन शासन सम दम यम शासन है। बैर का बदला चुकाने को कभी नहीं कहता है, शांति क्षमा, और असम दम यमानाम कर्मणा दुष्कृतेन, और असम कषायों की वृद्धि, तीव्रता, उत्कटता, क्रोध मान माया लोभ, इससे जाजुल्यमान अपनी आत्मा को हमेशा दग्ध रखना। ये कषायें पहले आत्मा का घात करती हैं, फिर दूसरे का घात करती हैं। और अदम इंद्रियों का निग्रह नहीं करना, इंद्रियों के वशीभूत होकर के चाहे जो भक्षा भक्ष खाना पीना, चाहे जो प्रवृत्ति करना, नाना प्रकार के अश्लील गाने, अश्लील नृत्य दृश्य आदि का अवलोकन आदि करना, ये सब अदम इंद्रियों का निग्रह नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है। और यम असंयम, असंयमी जीवन व्यतीत करना, व्रत नहीं लेना आदि, इनसे पाप कर्म का संचय होता है, जीव दुर्गति में जाता है, नरक आदि को प्राप्त करता है। भव्यात्माओं, तो आप देख रहे हैं तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव
इनके 10 भाव किसने सुनाए जा रहे हैं, किसने सुनना, किसने पढ़ना, इसलिए कि हम भी इस प्रकार से तीर्थंकर बन सकते हैं। तीर्थंकर शब्द कैसे बने, जिस समय सन 1974 में मैंने भगवान महावीर कैसे बने छोटी सी पुस्तक लिखी थी, भगवान महावीर के पूर्व भावों को लेकर के और वर्तमान के पंचकनाणक आदि का दृश्य दिखाते हुए बहुत छोटी संक्षिप्त पुस्तक। उस समय निर्वाण महोत्सव में वो पुस्तक अत्यधिक सबको प्रिय और मान्य हुई और उसी 3 दिन के अंदर में और उसकी 10,000 प्रतियाँ और छपानी पड़ी और सब लोगों ने उसकी बहुत ही प्रशंसा की। भगवान महावीर कैसे बने, भगवान ऋषभदेव कैसे बने, तीर्थंकरों के पूर्व भावों को पढ़कर कि हम और आप समझेंगे कैसे पंचकल्याण वैभव को प्राप्त करने का योग, किस पुण्य से उन्होंने संपादित किया। प्रथम दशावतार में प्रथम भाव महाबल, दूसरा ललितांगदेव, आप बार बार मैं आपको स्मरण दिलाती हूँ, याद रखें आप, लिख लें। तीसरा भाव राजा बजरंग, चौथा भाव भव भूमि आर्य, पाँचवा भाव श्रीधर देव, छठा भाव राजा सुविधि, सातवां भाव पुनः अच्युतेंद्र और आठवां भाव बज्रनाभि चक्रवर्ती और नौवां भाव सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र और दसवां भाव भगवान ऋषभदेव। भव्यात्मा सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र ने 33-33 सागर तक वहां सुखों का अनुभव किया, दिव्य आत्मा से उत्पन्न आनंद, यद्यपि वो आनंद अतीन्द्रिय नहीं है क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो सिद्धों के ही होता है, अर्हंत तो सिद्धों के ही होता है, फिर भी इंद्रिय जन्य विषयों से परे वहाँ कामनी सुख नहीं, स्त्रियाँ नहीं, फिर भी आनंद आनंद। आज भी देखते हैं ब्रह्मचारी लोग कितने आनंद का अनुभव करते हैं, कितने सुखी अपने आप को महसूस करते हैं। तो भव्यात्मा विचार करके देखा जाए तो संसार में संसार शरीर और भोगों से उत्पन्न होने वाले सुख वो हालाहाल विष के समान दुर्गति में ले जाने वाले हैं, लेकिन उनसे विरक्त मना महापुरुष जब चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं तब वही आत्माधीन सुख को प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ कि जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्म लेंगे। भगवात्मा इसी मध्य लोक में जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दो क्षेत्र हैं, वैसे 7 क्षेत्र हैं। आप जम्बूद्वीप में आकर खड़े होकर देखें, तत्वार्थ सूत्र को पढ़ते हुए देखें, जम्बूद्वीप का नक्शा फैला के देखें, भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यक ऐरावत 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है और हैमवत हरि में जघन और मध्यम भोग भूमि और सुमेरु के पूर्व में सुमेरु के दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ देवकुरु और उत्तर कुरु ऐसे भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि और पुनः रम्यक और हैरण्यक में मध्यम और जघन्य भोग भूमि। भगवान जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमि है, 2 जघन्य 2 मध्यम 2 उत्तम और 2 कर्म भूमि है भरत क्षेत्र की और अरावत क्षेत्र की, जिसमें आर्यखंडों में हमेशा षटकाल परिवर्तन होता रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। और विदेह क्षेत्र में 32 उनमें कभी भी षटकाल परिवर्तन नहीं है, हमेशा चतुर्थ काल की आदि जैसी व्यवस्था ही रहती है। भगवात्मा ये जम्बूद्वीप की व्यवस्था, इसी प्रकार से धातृ खंड में पूर्व धातृ खंड और पश्चिम धातृ खंड में यही व्यवस्था है, वहाँ 6 भोग भूमि और 34 कर्मभूमि और पश्चिम धातृ खंड में भी 6 भोग भूमि और 34 कर्मभूमि, ऐसे ही पुष्करार्ध में पूर्व पुष्करार्ध में भी 34 कर्मभूमि और 6 भोग भूमि, पश्चिम पुष्करार्ध में भी 34 कर्म भूमि और 6 भोग भूमि, ऐसे भोग भूमि कुल 2.5 द्वीप में 30 हैं और कर्म भूमि 170 में 160 विधेय क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि है, कभी भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है, षटकाल परिवर्तन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम काल नहीं आता है। हमारे भरत जम्बूद्वीप के भरत ऐरावत, धातृ खंड के 2 भरत 2 ऐरावत, पुष्करार्ध के 2 भरत 2 ऐरावत, ऐसे 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्रों में षटकाल परिवर्तन होता रहता है। तो हमारे भरत क्षेत्र में आर्यखंड में
इस समय वर्तमान में सरकार परिवर्तन में पांचवा काल चल रहा है। चतुर्थ काल में भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर होते हैं। ये सब बातों को आप सुनेंगे। ऋषभदेव तो तृतीय काल के अंत में ही हो गए आदि सब व्यवस्था आप सुनेंगे। तो भव्यात्माओं, जो सरकार परिवर्तन जो है वो क्या है? ये सृष्टि की व्यवस्था शाश्वत अनादि निधन और काल की परिवर्तन व्यवस्था में किस प्रकार से मनु उत्पन्न हुए, हम मनु की संतान मानो भव्यात्मा विचार करके देखा जाए तो सचमुच में गर्भ जन्म लेने वाले ही मोक्ष के पात्र, मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। मैं कई बार चिंतन क्या करती हूँ, 21 दिसंबर को भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा भ्रूण हत्या पर कि गर्भ में आने वाली बालक या बालिका, बालिका के इनमें से कितने बालकों का घात हो जाता है, तो बालिकाओं की हत्या, ये भ्रूण हत्या, इसका विरोध होना चाहिए, इसको रोक लगनी चाहिए, किसी भी तरह से इस पर नियंत्रण होना चाहिए। उस पर बहुत ही चिंता व्यक्त करते हुए कि वो महिला हैं इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कन्याओं की भ्रूण हत्या पर। मैं ऐसा नहीं मानती, मैं समझती हूँ कि भारत के सर्वोच्च नागरिक के नाते उन्होंने बहुत बड़ा संदेश हमारे भारत को दिया हुआ है, बहुत बड़ी बात कही है। उनके अंतरंग में जो टीस और चिंता भारत के सर्वोच्च नागरिक के नाते पूरे भारत के लिए कन्याओं की भ्रूण हत्या, यह हमेशा ध्यान में रखें। गर्भ में आने वाली बालिका क्या पता कौन ज्ञानवती जैसी है, क्या पता कौन माता सत्यती जैसी जिसे शांतिसार को जन्म दिया, कौन सी बालिका, कौन सा बालक कैसा गर्भ में आया है, उसकी हत्या उसका पाप, भ्रूण हत्या के समान पाप संसार में कोई नहीं हो सकता। हमेशा आप ध्यान रखें, स्त्री बालिका इन्हीं से संसार की सृष्टि चलती है। तीर्थंकर आदि जन्म लिए तो माताओं से जन्म लिए हैं भव्यात्मा। कन्याओं की भ्रूण हत्या की चिंता राष्ट्रपति की, हम लोग तो चिंतित है ही हैं, गुरुजन तो चिंतित है ही हैं, सर्वोच्च नागरिक, भारत का सर्वोच्च नागरिक भी चिंता करता है। आप सबको आज संकल्प करना चाहिए कि कभी भी हम स्वप्न में भी कन्या का परीक्षण, लिंग परीक्षण न करके, और कभी भी भ्रूण हत्या का मन में संकल्प भी नहीं करेंगे, भाव भी नहीं लाएंगे, विचार भी नहीं करेंगे, और सबको रोकेंगे, फार्म भरवाएं, विरोध करें, डटकर विरोध करें। सभी महिलाओं का कर्तव्य, पुरुषों का कर्तव्य, सभी माता और पिता सबका कर्तव्य। आज आप लोग सब मेरा प्रवचन सुनने वाले आज संकल्प लें, नियम करें और कन्याओं की घटती हुई जो संख्या चिंता का विषय, इस पर अंकुश लगा करके और कन्याओं को जीने का अधिकार दें। क्या पता कौन उसमें ज्ञानवती, कौन उसमें चंद्रावती, कौन उसमें ब्राह्मी सुंदरी पैदा हो सकती है, हम और आप कोई निर्णय नहीं कर सकते भव्यात्मा। तो इस प्रकार से गर्भ जन्म ही मोक्ष के लिए कारण है, गर्भ से जन्म लेने वाले मोक्ष के पात्र हैं। इन सब बातों को आप अच्छी तरह समझें और तीर्थंकर भगवान विश्व की शांति के लिए होमें। प्रदस्थ घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुरवंतु जगताम शांति विश्वादा जिनेश्वराहा। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीयसे धर्मचक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमसे। भव्यात्माओं, महापुराण का स्वाध्याय अंतर्गत आदि पुराण, भगवान ऋषभदेव के भवों को आपने सुना है, नौ भव तक मैंने आपको पहुंचाया है। आप ध्यान में रखें उनके जो वज्रनाभि चक्रवर्ती के जो पुत्र थे विजय वैजयंत जयंत अपराजित और बाहु सुबाहु पीठ महापीठ और धनदेव गृहपति, ये इन सभी ने तपस्रण करके, सबने वज्रनाभि के साथ ही जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, तपस्रण करके तपस्रण के प्रभाव से सभी ने अहविंद्र पद को, सर्वार्थ सिद्धि में अहविंद्र पद को प्राप्त किया है भव्यात्मा। आगे सभी भगवान सद्देव के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूमि पर जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं,
व्यवहार काल काल षटकाल परिवर्तन मैंने आपको बताया, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में होता है, जिसके उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो भेद हैं, जिसमें मनुष्यों की बल, आयु, शरीर आदि का प्रमाण अवगाहना बढ़ती बढ़ती जाए उसे उत्सर्पिणी कहते हैं, और जिसमें घटती घटती जाए वो अवसर्पिणी कहलाता है। अवसर्पिणी काल के 6 भेद हैं, सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और छठा अति दुष्मा, इसका दुष्मा दुष्मा भी नाम है। ऐसे अवसर्पिणी के 6 भेद, उत्सर्पिणी के भी 6 भेद हैं, इनसे उल्टे पहले दुष्मा दुष्मा, फिर आगे आयु, अवगाहना, शरीर आदि की उन्नति और वृद्धि, सुख की वृद्धि आदि होती है तो दुष्मा, फिर पहले छठा काल, फिर पाँचवा दिशा, पहले दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, पुनः सुषमा और सुषमा सुषमा, ये ऐसा काल का विभाग। यहाँ पर समा काल का वाचक है, काल के विभाग का नाम समा है। सु और दुर उपसर्ग अच्छे और बुरे के अर्थ में है, सुषमा उत्तम काल और दुष्मा दुखम काल आदि। भगवात्माओं, प्रथम काल में उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है, जैसा कि देवकुरु उत्तर कुरु में है, और 6-10 प्रकार के कल्प वृक्षों से इनको षट क्रियाओं की करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी में से किसी की 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जीवन यापन करते हैं। सुषमा में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था है, और सुषमा दुष्मा काल में जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। भव्यात्माओं, जब तीसरे काल में, यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीसरे काल में पल का 8वां भाग मात्र शेष रह गया, तब कल्प वृक्षों की सामर्थ्य घटने लग गई। किसी दिन आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, मैंने आपको बताया ना, भारतीय संस्कृति के अनुसार आप मास और तिथि को अवश्य याद में रखें, महीना और तिथि, भारतीय महीना और तिथि को अवश्य याद में रखें। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सायंकाल में आकाश में एक साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों दिख गए। सूर्य अस्त हो रहा था और चंद्रमा उदित, एकदम आकाश में दो चीज दिखाई दी, चमकीला चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता हुआ चमकीला चंद्रमा, और पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ सूर्य। एकदम ऐसे लटकते हुए आकाश के गोले को देखकर भोग भूमि एकदम डरे और घबराए, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, कौन सा उत्पात होने वाला है। तो वहां पर महान बुद्धि के धनी और जिन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हो चुका था, ऐसे प्रतिश्रुति नाम से प्रसिद्ध कुलकर विद्वान थे, अधिक तेजस्वी और प्रजाजनों के नेत्र के समान, अर्थात प्रजाजनों को सुखकारी मार्ग दिखाने वाले कुलकर, मनु और कुलधर, इनके 3 नाम होते हैं। मनु, इन मनु की संतान को ही मनो अपत्यम मानवः, मनु की संतान को मानव कहते हैं। हम और आप सब परंपरागत मनु की संतान होने से ही मानव कहलाते हैं, मनु की संतान है, ध्यान में रखना। इनको कुलकर भी कहते हैं, कुलधर भी कहते हैं। तो प्रतिश्रुति नाम के कुलकर उनके पास पहुंचकर सब एकदम घबराए हुए कहने लग गए, क्या है, क्या है, क्या उत्पात होने वाला है भगवान स्वामी। उन्होंने कहा, डरो मत हे भद्रपुरुषों, जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य और उदित होता हुआ चंद्रमा। अब तक क्यों नहीं दिख रहे थे, ये सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। अभी तक ज्योतिरंग जाति के जो कल्प वृक्ष सूर्य और चंद्रमा से अधिक प्रकाश को धारण करने वाले ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्ष, क्योंकि कल्प वृक्ष के प्रकाश में इन सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अपने को नहीं दिख रहा था, ये अपने को नहीं दिख रहे थे, इस प्रकाश से तिरोहित हो रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, नक्षत्र और तारा जैसे रात में आपको दिख रहे हैं ना, दिन में विद्यमान है, सब है, जहां की तहां सब घूम रहे हैं, एक भी कहीं नहीं चला गया, कोई पलायमान नहीं हो गया है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो दिखता नहीं, जब अंधेरा होता है तभी वो दिखते। तो उसी प्रकार से कुलकर ने उन्हें, मनु ने उन्हें संबोधित करके उनका भय दूर किया कि ज्योतिरंग जाति के कल्प के प्रकाश से तिरोहित है, अब इसलिए नहीं दिखते थे, अब चूंकि काल दोष से ज्योतिरंग वृक्षों का प्रभाव कम हो गया है इसलिए दिखने लगे, इनसे तुम लोग डरो मत, तुमको कोई भय नहीं है। प्रतिश्रुति के वचन सुनकर सब
आश्वस्त हुए, शांत हुए, समाधानी प्राप्त की। भव्यात्मा में संक्षेप में बताऊंगी आपको। पुनः कुछ दिनों अनंतर होता क्या है, एकदम अंधकार दिखने लग गया उन्हें और तमाम सारे तारे टिमटिमाने लग गए। सब घबराए ये क्या हो गया, तो दूसरे कुलकर हुए हैं सनमती नाम के। सनमती नाम के दूसरे कुलकर हुए हैं, उनकी रानी यशस्वती, प्रतिश्रुति कुलकर की रानी का नाम था स्वयंप्रभा, इनकी रानी का नाम था यशस्वती। ये इन्होंने बताया, ये अब ज्योतिरंग कल्पवृक्ष और ज़्यादा मंद हो गए हैं, और अतिशय मंद हो जाने से अभी अंधकार दिख रहा है, और ये तारागण है आकाश में, दिन में भी रहते हैं लेकिन तुम्हें अब ये टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। डरो मत, घबराओ मत, कोई कष्ट नहीं तुम्हें होगा इससे। कुछ दिनों बाद, मतलब दूसरे कुलकर ने अंधकार में उगने वाले ताराओं के भय को दूर किया। तीसरे कुलकर थे क्षेमंकर, उनकी रानी का नाम सुनंदा। क्या होता है, भोग भूमि में पशु के युगल भी रहते हैं, व्याघ्र, शेर, चीतय, भेड़िया, हिरण, हाथी, घोड़े आदि। तो व्याघ्र आदि जो हिंस जंतु थे वो डराने लग गए एकदम, और खूंखार शब्द करने लग गए। तो लोग घबरा कर आए, भगवान अब क्या होगा, अरे इनको तो मैं गोद में बिठाल बिठाल कर खिलाता था, खेलता था इनके साथ, और ये तो एकदम फुंकारने लग गए, दौड़ने लग गए और गरजने लग गए। तो बोले, डरो मत, इनसे अब दूर रहो। अब ये इनमें हिंसक प्रवृत्ति आ रही है, तो क्षेमंकर नाम के तीसरे कुलकर ने सिंहादि के भय को, व्याघ्र आदि हिंस जंतु की संगति से दूर रहने का उपदेश दिया। बोले अब इनसे दूर रहो, बस अब इनसे नाता छोड़ो, इनसे प्रेम छोड़ो। अब जो है आगे क्या होता है, धीरे धीरे सिंहादिक और आगे बढ़ने लग गए और धावा बोलने लग गए। तब चौथे कुलकर क्षेमंधर हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप हाथ में डंडा रखो, डंडा रखो, इनको धमकाओ, इनको भगा दो। तो उन्होंने जो है सिंहादिक से रक्षा के उपाय बताए। फिर आगे क्या होता है, कल्पवृक्ष कुछ फल कम देने लगे, तो आपस में थोड़ा विवाद होने लगा। अरे तुम रुको यहाँ से, इससे फल मुझे लेना है, पहले मुझे लेने दो। जैसे कहीं कभी कभी पानी भरने के लिए महिलाएं नल पर आती हैं लाइन से क्यों में, तो आगे पीछे दौड़ने लगती हैं, घबराने लगती हैं और एक दूसरे को रोकने लगती हैं। ऐसे ही वो लोग रोकने लग गए, अरे पहले मुझे फल लेने दो, ठहरो ठहरो, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे भोजन चाहिए आदि आदि। तो ये सब विवाद देख करके सिंहंकर कुलकर ने अपनी मनोहारी रानी के साथ, सिंहंकर कुलकर ने कल्पवृक्ष में सीमा कर दी, बस यहाँ तक तुम्हारी सीमा है, तुम इनसे मांगना, तुम इनसे लेना, तुम इनसे लेना, सीमा बना दी, आपस के विवाद को समाप्त किया। और पुनः सिंहंकर कुलकर हुए हैं, उनकी रानी यशोधरा। और जब विवाद बढ़ा उसमें भी, तब उन्होंने उसमें भी थोड़े कल्पवृक्षों में भेद कर दिया, इतने हिस्से में तुम ले हो फल, यानी भोजन सामग्री देने वाला, इतने हिस्से में एक ही कल्पवृक्ष में बंटवारा कर दिया, इस हिस्से में तुम लो, इस हिस्से से तुम लो, इस हिस्से से तुम, इस हिस्से से तुम, वो हिस्सा बना दिया। आगे विमल वाहन कुलकर हुए हैं, तो उस समय जो है उन्होंने बताया, तमाम हाथी वगैरह सामने आने लग गए, और तमाम जो है कई छोटी छोटी पहाड़ी दिखने लग गई, कई छोटी छोटी नदियाँ दिखने लग गई, कई छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा, देखो तुम हाथी पर बैठकर सवारी करो और ऊपर चढ़ो, इधर जाओ उधर जाओ। जब चलने में थकने लग गए, उनमें शक्ति भी कम महसूस देने लग गई, तो सवारी आदि का उपदेश दिया। पुनः चक्षुष्मान कुलकर हुए हैं आठवें, धारणी नाम की उनकी रानी। जब इनके संतान जन्म होती थी उसी समय छींक और जिह्वा जम्भाई आती थी और वो पति पत्नी के प्राणांत हो जाते थे, तो बालक का मुख नहीं देख पाते थे। तो बालक का मुख दिखा तो एकदम घबराए, अरे अपने ही जन्म दिया बालक का मुख देखते ही घबरा गए। तो बोले, कुछ नहीं, चिंता मत कर, तुम्हारा बालक है, जन्म लिया है। अभी तक क्या होता था, जन्म लेते ही माता पिता एकदम छींक और जम्भाई से स्वर्गस्थ हो जाते थे, देवलोक को प्राप्त कर लेते थे, बालक का मुख दर्शन
उनको बताया, घबराओ मत, डरो मत, तुम्हारी संतान है, इसका मुख देखो, प्रसन्न हो। आगे जो है यशस्वी नाम के कुलकर हुए, कांतिमाला पत्नी, और उस समय बालक और कुछ क्षण जीवित रहने लगा, उनकी आयु शेष रहने लगी, तो बताया इनका नामकरण करो, ये तुम्हारा बालक है इसका नाम रखो आदि। पुनः आगे अभिचंद कुलकर हुए, उस समय बच्चे रोने लग गए और थोड़े दिनों जीने लग गए, बच्चे होने के बाद जब बालक जुगल लिया, जन्म लिया, रोने लग गए, तो बोले अब इसको क्या करें, ये क्या कर रहा है, बोले इसको चंद्रमा दिखाओ, देखो इसको रोना दूर करो, अरे चंदा मामा उसको खिलाओ, गोद में लो, पुचकारो, ये दिखाओ दिखाओ, देखो पहाड़ी है, देखो नदी है, आओ चलो खिलाएं, तो उसको खिलाओ, गोद में लो, खिलाओ। शिशु रोदन को निवारण करने का उपदेश दिया। फिर जो है चंद्राब कुलकर हुए 11वें। अब लोगों को कुछ ठंडी गर्मी भी सताने लग गई, पहले न कोई ठंडी लगती थी, न गर्मी लगती थी, न कोई बरसात, कुछ कष्ट नहीं था, सम ऋतु थी, फाल्गुन मास के समान अथवा एकदम सम ऋतु। तो बोले अब तुम जो है मोटा वस्त्र पहनो, शीत को दूर करने के लिए धूप खाओ, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठ जाओ, धूप लगेगी, शीत का कष्ट दूर हो जाएगा आदि आदि। तो सैत्यादि निवारण का उपाय बताया। पुनः चंद्राम कुलकर हुए, रानी प्रभावती 11वें कुलकर, तो इन्होंने नाव आदि में बैठने का उपदेश दिया, ऐसे नदी पार करो, इधर से उधर जाना है तुमको, तो छोटी छोटी नाव बनाओ और इसमें बैठो, नदी पार करो आदि। और पुनः मरुदेव कुलकर हुए, मरुदेव कुलकर ने नाव आदि के द्वारा गमन का उपाय बताया। फिर 13वें कुलकर हुए प्रसेनजीत, ये प्रसेनजीत मरुदेव के राजा के अकेले ही पुत्र हुए, युगलिया नहीं हुए, तो उन्होंने इनकी किसी कुलीन कन्या से शादी की, और बालक जब जन्म लिया तो जरायु पटल में लिपटा हुआ था, जैसे आज बालक जन्म लेते हैं जरायु पटल में लिपटे हुए, पहले बालक जो जन्म ले रहे थे जरायु पटल वगैरह नहीं रहता था, तो जरायु पटल को दूर करने का उपदेश दिया। पुनः प्रसेनजीत ने नाभिराज कुलकर को जन्म दिया, नाभिराज 14वें कुलकर हुए, नाभिराज जो कि भगवान शिवदेव के पिता होंगे। मरुदेव ने प्रसेनजीत को जन्म दिया और प्रसेनजीत ने नाभिराज को जन्म दिया, ये भी अकेले ही जन्मे थे। मरुदेवी कन्या कच्छ महाकच्छ की बहन, इंद्र ने आकर के और मरुदेवी के साथ नाभिराज का विवाह संपन्न किया है। तो भव्यात्मा, संक्षेप में मैंने 14 कुलकरों की आपको व्यवस्था बताई है, विस्तार से पढ़ना है तो आप तिलोक पंक्ति का स्वाध्याय करें, महापुराण का स्वाध्याय करें, आदि पुराण का स्वाध्याय करें, आपको आनंद आएगा। ये कुलकर मनुओं की व्यवस्था, 14 मनु हुए हैं, इन 14 मनु में उस समय दंड की व्यवस्था क्या थी मैं आपको बताऊं। प्रतिश्रुति आदि 5 कुलकर के समय कोई भी जरा भी अपराध कर दे और अगर उसको लाया जाए तो कहते थे हाँ तूने बुरा किया, बस इतने मात्र से पुनः वो जीवन में अपराध नहीं करता था, सुधर जाता था, कोई गलती ही नहीं होती थी, हाँ तूने बुरा किया। आगे के 5 कुलकर सिवंदर आदि से लेकर, जब उनके सामने कोई अपराधी लाया गया, कोई कुछ गलती की, किसी ने किसी को सताया, तो कहते थे हाँ माँ, ये 2 दंड, हाँ तूने बुरा किया, माँ मत करना, बस इतने से वो समझ जाता था, फिर उसे अपराध नहीं होता था। आगे के कुलकरों ने 3 दंड व्यवस्था बनाई, आगे आगे दिन पर दिन थोड़ा अपराध बढ़ने लग गया, पुनः पुनः होने लग गया, तो हा माँ और धिक, हाय तूने गलत किया, माँ अब मत करना, धिक तुझे धिक्कार, बस इतने दंड से वो फिर वापस गलती नहीं करता था। बदलात्माओं, आगे भगवान ऋषभदेव को भी मनु संज्ञा कुलकर संज्ञा दी है, और भरत चक्रवर्ती को भी 16 कुलकर माने। तो भगवान ऋषभदेव तक तो यही 3 दंड थे, और भरत चक्रवर्ती ने और दंड निर्धारित किए हैं, कारावास आदि अनेक प्रकार से जुर्माना आदि के दंड निर्धारित किए हैं, शारीरिक दंड यातना आदि निर्धारित किए हैं, क्योंकि आगे प्रजा अधिक अपराधी होने लग गई थी। तो भगवात्मा ये सब व्यवस्थाएं
सृष्टि की व्यवस्था। आप जैन भारती का स्वाध्याय करें, जैन भारती में मैंने संक्षेप से सृष्टि की व्यवस्था के नाम से इसको लिया है। ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना है कि हम और आप मनु की संतान हैं। कभी ये मत समझो कि हम लोग सब जो कैसे हुए, हम लोग सब मनु की संतान मानव हैं और हम सब पुण्यशाली हैं। मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के, उत्तम कुल में जन्म लेकर के, और भगवान की वंशज, भगवान की परंपरा के वंशज हैं। हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा में अपने गुणों को विकसित करें और विश्व शांति की भावना करते हुए प्रधस्त घात कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुरवंतु जगताम शांति विश्वादा जिन्हें सुराहा, इस प्रकार की भावना को भाते हुए हमेशा विश्व में शांति की स्थापना करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। आगे आप सुनेंगे भगवान शब्दों को। सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। प्रत्येक जानकारी के लिए संपर्क करें कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.jambudweep.org तथा ईमेल आईडी है ravindrajain@jambudweep.org एवं rk195057@yahoo.com।